नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरोही एंड आव्यास गार्डन में। शुरुआत करते हैं, देखिए देसी गुलाब का कितना सुंदर फ्लावर है। और देखिए इस गमले की मुझे साफ़ सफाई करनी है थोड़ी। इसमें देखिए कितने, इस प्लांट की भी मुझे अभी गुड़ाई करनी है और फिर इसमें मैं खाद दूंगा। तो थोड़ा सा आपको गार्डन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, फिर वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हम अपने घर में लगाएं तो हमारे घर के एनवायरनमेंट को, की जो एयर होती है उसकी क्वालिटी को सुधारते हैं और पोल्यूशन दूर करते हैं, और इन्हें इंडोर भी आप रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो व्यूवर पहली बार आए हैं चैनल पर, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरा ये सुदर्शन का प्लांट कितने सुंदर इस पर फ्लावर खिले। तो देखिए इसके फ्लावर जो है सभी मालाओं में, काफ़ी मालाएं बना दी जाती हैं तो उसमें इसके फ्लावर भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर है ये, और ये प्लांट बहुत हार्डी होता है, गर्मी सर्दी हर हमेशा ये रहेगा एक बार आपने लगा लिया। तो चलिए देखिए ये अर्जुन का प्लांट मेरा, और देखिए गुड़हल की पत्तियाँ पीली होने लगी हैं। ये मोर पंखी है, और ये देखिए मेरा मनी प्लांट और सिंगोनियम, इसकी पत्तियों का साइज़ देखिए, देखिए मेरे हाथ से भी बड़ा है इसका साइज़, कितना अच्छा साइज़ है इसकी पत्तियों का। और ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, ये 10 इंची की एक पॉट में है, और इसके साथ मैंने एक स्टिक भी लगाई हुई है। तो चलिए ये देखिए गोवर्धन के बाद जो गोबर बचता है उसको हम इस तरह से उपले बना लेते हैं, और फिर पूजा में जो हवन वगैरह करते हैं उसमें इसका यूज़ हो जाता है। तो ये भी हम फेंकते नहीं है, या इसको खाद भी बना सकते हैं। ये कुछ नारियल है, इसका भी मैं यूज़ करूँगा, या तो इसको जलाकर इसका ऐश बना लेंगे, राख बना लेंगे, या फिर इसका दूसरा यूज़ कर लेंगे। ये देखिए पत्तियाँ लगातार गिर रही हैं, और मैं जितनी भी पत्तियाँ कलेक्ट होती जाती हैं एक हफ्ते में, उनका पत्तियों की खाद के लिए उन्हें रखता रहता हूँ। विधि मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बोगनविलिया की कटिंग की थी, तो ये सब उसी का कटिंग्स है, तो ये सूख गई हैं। तो मैं अब सबको एक साथ या तो इन पत्तियों को कलेक्ट करके खाद में यूज़ कर लेंगे, या फिर इसको मैं जला दूंगा और राख बन जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं कुछ प्लांट्स बताने वाला हूँ जो हमारे घर के एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये देखिए सबसे पहला है उसमें मनी प्लांट। मनी प्लांट सभी लोग जानते हैं मनी प्लांट का को। और ये देखिए मेरे ये 2 साल पुराना एक छोटे से, देखिए छोटे से एक छोटे से सिरेमिक पॉट में लगा हुआ है ये, और ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, और इसकी आप देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांचेज हैं। ये देखिए ये कम से कम 4 फीट लंबी है, और दूसरा देखिए इससे भी छोटा पोता है वो। तो ये देखिए ये देखिए ये तो 2 से 3 इंची का पोट है केवल, और इसमें भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था इस मनी प्लांट को। और अब इसकी हाइट देखिए, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्तों, ये कम से कम 5.5 से 6 फीट तक इसकी लंबाई है एक छोटे से गमले में, और एक ही नहीं इसमें 2 या 3 ब्रांचेज हैं इस तरह की। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सिंगोनियम का प्लांट भी लगा हुआ है। तो ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। ये देखिए थोड़ी सी बजरी डाली थी मैंने ताकि रूट हिले ना, डिस्टर्ब ना हो।
और मैं इसकी क्या केयर करता हूँ कि मैं इसको गर्मियाँ जब आती हैं तो मैं इसको गमलों में ही रख देता हूँ, बड़े गमलों में। और अब भी मैं इसको बहुत मुश्किल से निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैले हुए थे। तो सबसे पहला प्लांट है जो एनवायरनमेंट को क्लीन करता है वो मनी प्लांट है, और हम सभी लोग जानते हैं और बहुत से लोग इसको मान्यता है कि घर में लगाने से पैसा आता है, तो इसीलिए इसका मनी प्लांट नाम है। तो आप भी ज़रूर लगाइए, और लगाना भी बहुत आसान है। देखिए इसमें रूट्स निकलती रहती हैं, तो इसको कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी कटिंग मिल जाए, रूट वाली भी ला सकते हैं आप, बिना रूट वाली भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा, और बारिश के महीने में तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं। बस एक सावधानी जो हमें लेनी है कि अगर हम कंप्लीट इंडोर रख रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन में एक बार या महीने में एक बार इसको अच्छे से धूप में बाहर निकालना होगा हमें, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना होगा। चलिए अब दूसरा प्लांट मैं बताता हूँ। दूसरा प्लांट और जो मेरा फेवरेट है यह है सेंसिवेरिया प्लांट, से मदर्स टंग भी बोलते हैं, प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों से भी पौधे बन जाते हैं। तो ये देखिए ये भी एक छोटे से 5 इंची के पॉट में, और इसका इतना ये इतना भारी हो गया है, बहुत ज़्यादा, और गमले से भी ज़्यादा इसमें वजन हो गया है प्लांट में, और बहुत हेल्दी इसकी ग्रोथ है। मैं तो इंडोर आउटडोर दोनों ही रखता हूँ इनको। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं, मैंने एक ही बार परचेस किया था और फिर ये बनते रहते हैं। लेकिन अगर आप वेरीगेटेड वैरायटी को लीफ से लगा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह के लीफ मिलेंगे, वेरीगेशन नहीं मिलेगा लीफ्स में। तो ये भी बहुत अच्छा एयर क्लीनर प्लांट है, और आप इसे बेडरूम में भी रखेंगे तो इतना सही ये प्लांट एक एक पर्सन के बराबर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए पूरे दिन में उससे ज़्यादा ही ये क्लीन करता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ज़रूर लगाइए। और इसके साथ साथ पत्थर चट्टा भी इसमें लगा हुआ है, ब्रायोफिलम। तो अगला जो मेरा प्लांट है ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा एयर क्लीनर प्लांट है, और आप इसको ज़रूर लगाइए। ये देखिए इसमें से छोटे छोटे से इस तरह से पप्स निकलते रहते हैं, नीचे से भी और इसकी ब्रांचेस पे भी, और थोड़े दिन में आप इसको दूसरे गमले में अटैच कर दीजिए इस तरह से, तो ये तैयार हो जाते हैं नए प्लांट। और मेरे पास इसके कई सारे प्लांट हैं, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एयर पोल्यूशन को क्लीन करने वाला प्लांट है, और बहुत आसानी से लग जाता है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो आप इसको ज़रूर लगाइए। ये देखिए ये भी सेंसिवेरिया की ही दूसरी वेराइटी है, वेरीगेटेड वाली ड्वार्फ वेराइटी। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइए। और एक बार आप लगा लेंगे तो ये बनते रहते हैं, देखिए जड़ों से भी छोटे छोटे से पप्स निकल रहे हैं, इसमें निकलते ही रहते हैं, तो ये भी ज़रूर लगाइए आप। अगला जो मेरा प्लांट है ये है देखिए दोस्तों, ये रोहियो का प्लांट है, और ये बहुत अच्छे से इंडोर में भी चल जाता है बहुत आराम से, और ये पर्पल हार्ट है, इसको सेट क्रिसिया भी बोलते हैं। तो पर्पल हार्ट और रोहियो का प्लांट भी आप लगा सकते हैं, ये भी एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन करते हैं। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों पेडीलेंथस है, ये इसको नागदोन भी बोला जाता है, तो इसको भी आप इंडोर भी रख सकते हैं आउटडोर भी रख सकते हैं, और ये भी एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। इसके अलावा देखिए ये कोलियस का प्लांट है, इसको इसको भी आप ज़रूर लगाइए, ये भी बहुत सुंदर प्लांट लगता है, इसकी फोलियज बहुत सुंदर लगती है, और ये भी एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। दोस्तों पौधे तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे ही प्लांट रखता हूँ जो बहुत हार्डी होते हैं और बहुत आसानी से चल जाते हैं। देखिए यहाँ बायो एंजाइम बनाने की तैयारी हो रही है, गेंदे के फूल का बायो एंजाइम मैंने बताया था कैसे बनाना है, आप भी बनाते रहिए। तो प्लांट तो बहुत सारे हैं, पीस लिली भी है और डाइफेनबेकिया है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन मेरे पास क्या है कि कुछ प्लांट
जो हार्डी होते हैं वही सरवाइव करते हैं। और एरेका पाम भी बहुत अच्छा एयर क्लीनर प्लांट है। तो ये सब प्लांट्स आप लगाएंगे तो आपके जो एनवायरनमेंट है घर का वो साफ रहेगा और काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जैसे पेंट और वार्निश घर में होती है दीपावली के सीज़न के आसपास, तो बेंजीन कंपाउंड होता है जो कैंसर कोजिंग होता है। तो ये सब प्लांट अगर घर में रहते हैं तो ये सब उस पॉल्यूशन को सोख लेते हैं अपने अंदर और हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं। तो आप ज़रूर लगाइए इन सभी प्लांटों को, और आप लगाएंगे तो हेल्दी बने रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपको इसी तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।